हेलो एवरीवन आज हम आपको बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के यंग एश्योर जो कि एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान है का रिव्यू देंगे सो so अगर आप एक फिक्स रिटर्न माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हैं और आपको फिक्स रिटर्न ही चाहिए तो आपको इस प्लान को एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस प्लान में कुछ अच्छे फीचर्स हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इसमें मिनिमम एज एट एंट्री एटीन ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री फिफ्टी ईयर्स है मिनिमम एज एट मेच्योरिटी 28 एट ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट मेचोरिटी 60 ईयर्स है इस प्लान में गारंटीड मेचोरिटी बेनिफिट है और जो भी आप गारंटीड मेचोरिटी बेनिफिट डिसाइड करते हैं जो आप पॉलिसी टर्म डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है सम ए शॉर्ट की बात करें तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका टेन टाइम्स पॉलिसी होल्डर को सम ए मिलता है इसमें मिनिमम गारंटीड मचोरिटी बेनिफिट एक लाख रुपए है मैक्सिमम मेचोरिटी मैक्सिमम गारंटीड मेचोरिटी बेनिफिट की कोई भी लिमिट नहीं है पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म ईयर्स की बात करें तो अगर आपकी पॉलिसी टर्म दस साल की है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म पाँच साल और सात साल है अगर पॉलिसी टर्म पंद्रह साल की है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म बारह साल और पंद्रह साल है अगर पॉलिसी टर्म 20 साल की है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 12, 15 और 20 है इसमें से जो भी आपके हिसाब से आपको सूट करे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी इस प्लान में जो अपना प्रीमियम है आप इसको मंथली मोड में भी पे कर सकते हैं क्वार्टरली मोड में भी हाफ ईयरली और ईयरली मोड में भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं इस प्लान में कैश इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कंपनी आपको तीन ऑप्शन ऑफर करती है जिसमें पहला ऑप्शन है आपका टू इंस्टॉलमेंट का दूसरा ऑप्शन है फाइव इंस्टॉलमेंट का और तीसरा ऑप्शन है सात इंस्टॉलमेंट का जैसे ही आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होगी जो भी आप कैश इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो पॉलिसी होल्डर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप दो ऑप्शन वाला ऑप्शन uh, सेलेक्ट करते हैं तो सेकेंड ईयर में पचास परसेंट ऑफ गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट और थर्ड ईयर में पचपन परसेंट ऑफ गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट प्लस बोनसेस इसमें टोटल एक सौ पांच परसेंट गारंटेड मेचोरिटी बेनिफिट का होगा दूसरे ऑप्शन में पॉलिसी टर्म पे गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट प्लस जितने भी बोनसेस हैं गारंटेड एडिशन प्लस ये सब पॉलिसी होल्डर को मेच्योरिटी पे मिल जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर बाईस परसेंट ऑफ गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट उसे नेक्स्ट ईयर 25 ऑफ गारंटेड मेचोरिटी बेनिफिट और उसे नेक्स्ट ईयर 28 ऑफ गारंटेड मेचोरिटी बेनिफिट और पांचवी और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 34 ऑफ गारंटेड मेचोरिटी बोनस बेनिफिट बोनस इफ एनी अगर पॉलिसी होल्डर 7 साल का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो पॉलिसी टर्म पूरी होने के बाद बारह परसेंट गारंटेड बेनिफिट फिर नेक्स्ट ईयर पंद्रह परसेंट फिर नेक्स्ट ईयर एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ गारंटीड मेचोरिटी बेनिफिट इस हिसाब से पॉलिसी होल्डर को एक सौ तेरह परसेंट गारंटिड मेचोरिटी बेनिफिट का मिलेगा सो so जो भी आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और गारंटिड मेचोरिटी बेनिफिट सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से ही आपका प्रीमियम और मेचोरिटी कैलकुलेट होगा और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है ये आपकी मेच्योरिटी टर्म पूरे होने के बाद स्टार्ट होगा डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी सम शॉर्ट गटिड मेच्योरिटी बेनिफिट के बाद बना है वो पॉलिसी होल्डर के नोमिनी को पे कर दिया जाएगा और फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम्स हैं वो सारे के सारे वेवड ऑफ हो जाएंगे अब उसको कंपनी पे करेगी और जो भी कैश इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस हिसाब से पॉलिसी होल्डर के नोमिनी को सारे के सारे बेनिफिट पे किए जाएंगे एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट इस प्लान में यह इनबिल्ट है अगर पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबल हो जाता है परमानेंट डिसेबल वो सिचुएशन होती है जिसमें पॉलिसी होल्डर काम करने की हालत में नहीं होता लाइक कोई भी टू लिम्स का ना होना हाथ दो पैर टू तो आइज या वन लेग वन हैंड एक्सेट्रा सो so, उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर के जितने भी प्रीमियम हैं वो सारे के सारे वेबडोफ हो जाएंगे और पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी और पॉलिसी होल्डर की इन फ्यूचर में डेथ होने की सिचुएशन में जो भी समय शॉर्ट है वो पूरा का पूरा नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा सरेंडर वैल्यू की बात करें तो इस तरह के प्लान कभी भी सरेंडर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनमें जो सरेंडर की कॉस्टिंग है काफ़ी डिडक्ट होती है जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप चेक कर सकते हैं अगर आपका जो पॉलिसी टर्म है वो दस साल का है और पी पी या सेवन ईयर्स का है तो एक साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं जिसमें टेन परसेंट दो साल के बाद तीस परसेंट तीन साल के बाद पैंतीस परसेंट पंद्रह साल की टर्म में दो साल के बाद तीस परसेंट तीन साल के बाद पैंतीस परसेंट और बीस साल की टर्म में भी दो साल के बाद तीस परसेंट पैंतीस परसेंट सो आप देख सकते हैं कि आपका बहुत सारा पैसा डिडक्ट होता है अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो लोन की बात करें तो आप इस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं जो कि नाइन्टी ऑफ सरेंडर वैल्यू का हो सकता है और इस पॉलिसी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन लेने पे वो करंटली आठ परसेंट का है अगर आपने इंस्टॉलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आप अपनी मैच्योरिटी पे सारा का सारा अमाउंट लमसम लेना चाहते हैं इस प्लान में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसको लमसम में ले सकते हैं आपको कम से कम तीन महीने पहले रिटर्न में एक एप्लीकेशन देनी होगी च्योरिटी से उसके बाद ही आपको जितना भी अमाउंट है एज अ लमसा मिल जाएगा रिवाइवल की बात करें तो अगर किसी रीजन से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो जितने भी इनके प्रीमियम्स हैं वो पेड करके और कंपनी की फॉर्मेलिटी को पूरा करके विद इन फाइव ईयर्स आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं ग्रेस पीरियड की बात करें तो अगर आप प्रीमियम मंथली मोड में पे करते हैं तो फिफ्टीन डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर आप हाफ ईयरली और ईरली मोड में पे करते हैं क्वार्टरली मोड में पे करते हैं तो आपका ग्रेस पीरियड थर्टी डेज़ है यानी कि अपना प्रीमियम तीस दिन के अंदर पे कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं इस प्लान में कंपनी आपको ऑफर देती है कि आप एडिशनल राइडर्स बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं लाइक बजाज अलायंस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ मै सप्निंग होती है पॉलिसी होल्डर को तो जो भी समय शॉर्ट डिसाइड किया हुआ है वो नोमिनी को मिल जाएगा एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल पार्शली बेनिफिट राइडर यानी कि एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है पार्शली डिसेबिलिटी होती है तो उस हिसाब से आपको समय शॉर्ट मिलेगा बजाज अलायंस क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अगर पॉलिसी होल्डर को कोई क्रिटिकल बीमारी डाइग्नोज हो जाती है लाइक like कैंसर तो उस सिचुएशन में जो भी समय शॉर्ट डिसाइड किया हुआ है वो नोमिनी को मिल जाएगा बजाज अलायस फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर बजाज अलायस वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर एक्सेट्रा ये सब राइडर आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो फ्री लुक पीरियड जो कि पंद्रह और तीस दिन है में अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हैं और आपका जो भी रिफंड है वो ले सकते हैं सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर एक साल के अंदर सुसाइड करता है तो जो भी प्रीमियम है उसका एट्टी परसेंट नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाएगा और अगर एक साल के बाद पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो पूरा का पूरा समय शॉर्ट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं एक्सीडेंटल परमानेंट एंड टोटल डिसबिलिटी बेनिफिट में अगर पॉलिसी होल्डर कोई रूल्स को ब्रेक करता है कोई भी लॉ ऑफ क्रिमिनल इंटेंट लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट लाइक कोई भी अगर क्राइम से रिलेटेड कोई पॉलिसी होल्डर गलती करता है ड्रिंक एंड ड्राइव करता है अगर किसी तरह के सिविल वॉर रॉइट्स में इंक्लूडेड होता है तो इस तरह पे पॉलिसी होल्डर को कभी भी क्लेम नहीं मिलता है सेल्फ इंजरी यानी कि खुद इंजरी पहुंचाता है तो ये कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें पॉलिसी होल्डर को कभी भी क्लेम नहीं मिलता है सो so ये था एक रिव्यू बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के यंग एश्योर चाइल्ड एजुकेशन प्लान के बारे में लाइक like कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं सो so प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग